देख सकते हो पूरा मेट्रो खाली है, मतलब इतना कभी रहता नहीं है, वो भी न्यू दिल्ली। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली। सो बेसिकली वहाँ अपना कैमरे के इक्विपमेंट्स लेने जा रहा हूँ मैं, जो वहाँ रह गए थे, और कुछ शॉपिंग भी करनी है। सो बिकॉज वेडिंग आ रही है, तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे की जर्नी। फिर अभी हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और हमारे यहाँ से ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो भाई ट्रेन ही सही है अभी तो फिलहाल, क्योंकि भाई रोड तो अभी मेरे को लगता है अभी खुली है अच्छे से बसें। सो भाई ट्रेन ही जा रहे हैं हम, दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या होता है। तो यहाँ से एंट्री बन रहा है, यहाँ से चेकिंग के लिए हो रही है चेक करके। तो चेकिंग चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो पूरी लाइन पे पहले चेकिंग हो रही है, फिर ही अंदर जा सकते हो आप। सो आज मैं जा रहा हूँ भैया के साथ दिल्ली। सो अभी चलते हैं, और रेलवे स्टेशन देख सकते हो आप पूरा खाली है, वैसे तो बहुत कम लोग हैं, अच्छी बात है। जो सनराइज़ हो रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, बहुत टाइम बाद इतनी जल्दी उठ के। और कोशिश करिए एक घंटे पहले आए, ताकि चेकिंग वगैरह हो तो आपको लेट ना हो या ट्रेन ना छूटे आपकी। तो एक घंटा पहले आने की कोशिश करें, क्योंकि लाइन लगती है यहाँ पे। सो एड्रेस वगैरह पूछते हैं सब, तो चलते हैं। हमारी जनशताब्दी आने वाली होगी 7:10 की है शायद। निकल चुके हैं रूड़की से, और चल पड़ी हमारी ट्रेन। और ये हमें 11 बजे की टाइमिंग है इसकी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने की। तो देखते हैं कब तक पहुंचाती है हमें दिल्ली। वैसे तो टाइम पे रहती है, कोई इशू ना हो तो बाकी देखते हैं, और आपको भी दिखाते हैं जो भी होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं, कि अगर आपको भी दिल्ली आना होगा तो आपको दिक्कत ना हो। सो हम दिल्ली पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ट्रेन टाइम पे थी, टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचा दिया है। काफ़ी अच्छी है, साफ सफाई चल रही है, ट्रेनिंग रेगुलर चल रही है ट्रेन से, कर सकते हैं सब ट्रैवल आराम से। पीछे दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसा आप देख रहे हो, और अब यहाँ से हम जाएंगे द्वारका मोड़। बाकी हम मेट्रो से जाएंगे अब यहाँ से आगे, और लगभग अब 7 महीने बाद मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, 7 महीने बाद फर्स्ट टाइम। सो दिल्ली मेट्रो भी चलनी स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं कि क्या है यहाँ का हिसाब चेकिंग वगैरह का। बाकी यही है जो दिल्ली में मेन चीज़ है, जिसकी वजह से दिल्ली चल रही है। मैं देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ, और यहाँ पे चेकअप हो रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइजेशन। तो मेट्रो में भी सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पहले सबका टेम्परेचर चेक हो रहा है, फिर सबको सैनिटाइज कर रहे हैं, साथ साथ बैग भी सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर चेकिंग भी अच्छे से हो रही है। तो काफ़ी अच्छा कर रहा है दिल्ली मेट्रो में भी। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको आगे और,
और ये हम हो गए मेट्रो स्टेशन में एंटर। तो देख सकते हो पूरा मेट्रो खाली है, मतलब इतना कभी रहता नहीं है, वो भी न्यू दिल्ली। और क्या पता कोविड की वजह से या शायद अभी ऑफिस टाइम नहीं है अभी, सो पीक आवर नहीं है, तो क्या पता तब ना होगी। सीट में भी देख सकते हो नीचे में कोई नहीं बैठ रहा है, एक सीट खाली छोड़नी है। तो अभी हम पहुंचे हैं राजीव चौक सीपी, जो कि पता ही होगा आपको दिल्ली का सबसे फेमस इलाका। और सरप्राइजिंगली बहुत, मतलब जितनी भीड़ रहती है यहाँ उसकी 10% भीड़ भी नहीं है, मतलब कोविड के चक्कर में या जो भी मानो, बट यहाँ भीड़ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी अब यहाँ से हमें जाना है द्वारका। और ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। तो देख सकते हो बीच में, देख सकते हो बीच में क्या है दोनों के, तो यहाँ पे नीचे लिखा है स्टैंड है, साइज के मार्क लगे हुए हैं, सीट पे भी देख सकते हो। पूरी मेट्रो खाली है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेट्रो का, क्योंकि कम मेट्रो इतनी खाली कभी नहीं रहती, खासकर ये ब्लू लाइन ऊपर से इतनी कंफर्टेबल, सबको सीट्स आराम से मिल जाती है। पहले तो इतनी भीड़ रहती थी, ऊपर से गर्मी और वही है। मेट्रो ने काफ़ी सेफ्टी मेजर्स अच्छे रखे हैं अपने कोविड को लेके, तो काफ़ी अच्छा था। और मतलब सेफ है ट्रैवल करना मेट्रो में एक तरीके से, टाइम भी बच जाता है और पैसे भी कम लगते हैं। सो आगे चलते हैं फ्लैट पे वीए के, और बाकी बातें वहीं चल के होती। सो मैं 6 बजे उठाऊँ दिन से सीधे अब, तो मैंने पहले वाला व्लॉग एडिट किया फिर वो अपलोड किया। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आपको मेट्रो से ट्रैवल करना है तो आप ओनली कार्ड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, और कार्ड में भी रिचार्ज कैश के थ्रू नहीं होगा, ओनली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के थ्रू होगा, पेटीएम। सो ध्यान रखिए, दिल्ली के हो तब तो आपके पास मेट्रो कार्ड पक्का होगा, अगर आप बाहर से हो तो आपको पहले मेट्रो कार्ड लेना होगा, तभी आप मेट्रो में ट्रैवल कर पाएंगे। सो बस यही था आज के लिए, इतने रखते हैं। सो मिलते हैं फिर ऐसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।